हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे पर्णविन्यास फिलोटेक्स। पर्णविन्यास क्या है? पर्णविन्यास फिलोटेक्स पर्णविन्यास क्या है? इससे पहले वाली क्लास में हमने सिरा विन्यास के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम पर्णविन्यास की बात करेंगे, यानी तनिया शाखा के ऊपर, तनिया शाखा पर पर्ण की व्यवस्था के क्रम को, पर्ण की व्यवस्था, पर्ण की व्यवस्था के क्रम को पर्ण विन्यास बोलते हैं कि तने या शाखा के ऊपर पत्तियां किस प्रकार से जुड़ी हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक तने के ऊपर पत्ते इस प्रकार से जुड़ी हुई है। दूसरी शाखा के ऊपर देख रहे हैं कि एक ही पर्व संधि पर दो पत्तियां जुड़ी हुई हैं। किसी में आप देख रहे हैं कि आप एक ही पर्व संधि से बहुत सारी पत्तियां निकली हुई हैं। तो ये व्यवस्था का जो क्रम है इसे पर्ण विन्यास बोलते हैं। यही एक पर्ण विन्यास है। तो हम कह सकते हैं तनिया शाखा पर पत्तियों के जुड़ने के क्रम को, तनिया शाखा पर पत्तियों के जुड़ने के क्रम को या पर्ण की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पर्णविन्यास। पर्णविन्यास के निम्न प्रकार हैं। नंबर एक, एकांतर क्रम में। नंबर एक है एकांतर क्रम में किस प्रकार से पत्तियां जुड़ी होती हैं, हम बात करेंगे एकांतर क्रम में। इस प्रकार के पर्णविन्यास में क्या होता है कि तने के ऊपर एक पर्व संधि से एक पर्ण निकलती है, एक पर्ण निकलती है, एक बाई और एक दाई और, यानी एकांतर क्रम में जुड़ी हुई है। इस प्रकार की व्यवस्था को एक प्रकार से एकांतर बोलते हैं। सरसों के अंदर, गेहूं के अंदर एक प्रकार से जो पत्तियां होती हैं, तंबाकू के अंदर किस प्रकार के क्रम में पाई जाती है? एकांतर क्रम में, यानी एक पर्व संधि से एक पर्ण निकलती है, एक बाई और एक दाई और, एकांतर क्रम में जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास को एकांतर क्रम बोलते हैं। नंबर दो है सर्पिल। नंबर दो क्रम है सर्पिल की बात करेंगे। सर्पिल में किस प्रकार से पत्तियां जुड़ी होंगी? इस प्रकार के पर्ण विन्यास में भी एक पर्व संधि से एक पर्ण निकलती है, एक पर्ण निकलती है, ये एक पर्ण निकली हुई है, तथा पर्ण के आधार भाग को एक रेखा से मिलाए जाए तो सभी सर्पिल क्रम में दिखाई देती हैं। ये एक प्रकार से गुड़हल के अंदर, गुड़हल, पपीता, इसमें जो पत्तियां होती हैं जो कौन से क्रम में जुड़ी होती हैं? सर्पिल क्रम में जुड़ी हुई, यानी सर्पिल पाया जाता है। इसमें पर्ण विन्यास का जो टाइप होगा वो कैसा होगा? सर्पिल होगा, यानी पर्ण के आधार भाग को मिलाएंगे तो सभी पत्तियां होंगी जो एक प्रकार से सर्पिल क्रम में दिखाई देंगी। नंबर तीन है क्रॉसित। क्रॉसित पर्ण विन्यास क्या है? इस प्रकार के पर्ण विन्यास में जो पत्तियां होती हैं एक प्रकार से पर्व संधि के ऊपर ये पत्तियां हैं, और ये क्रॉस करती हुई यानी समकोण बनाती हैं, ये समकोण बनाएंगी। जैसे दूसरे टाइप में ये पत्तियां हैं और ये क्रॉसित होती हैं, यानी एक प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये क्रॉसित हैं, एक दूसरे क्रॉस करती हैं और ये समकोण बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। जैसे आँख में आप देखते हैं, आँख होता है तो आँख के अंदर जैसे कैलोट्रोपिस बोलते हैं, उसमें इस प्रकार से पत्तियां जुड़ी, ऊपर वाले
पत्तियां भी इनको क्रॉस करती हुई होंगी, वो इस प्रकार से भी वो पत्ती इधर होगी, एक उस साइड में होगी, यानी वो क्रॉसित है। और एक किसमें पाया जाता है, आक है, क्रॉसित प्रकार की किसमें पाई जाती है आक के अंदर, जिसे कैलोड्रोबिस बोलते हैं। इसी प्रकार से तुलसी है, इसके अंदर इस प्रकार का पर्णविन्यास पाया जाता है, क्रॉसित प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अध्यारोपित। अध्यारोपित किस प्रकार से होंगे, नंबर चार अध्यारोपित के अंदर एक पारसंधि से दो पत्तियां निकलती हैं, अर्थात ये पत्तियां पारसंधि के ऊपरी भाग से एक जगह से निकलती दिखाई देती है, जैसे आमने सामने हो ये पत्तियां निकल रही है, अर्थात उसके ठीक नीचे, जैसे एक पारसंधि से दो पत्तियां निकल रही है, उसके ठीक नीचे एक पर्णयुग और पाया जाता है, यानी जस्ट उसके नीचे ही पर्णयुग पाया जाता है। ये आमने सामने निकलती दिखाई देती है, जैसे आप देखते हैं अमरूद में है, अमरूद के अंदर एक प्रकार से अध्यारोपित होती हैं, एक्जोरा है इसमें भी अध्यारोपित होती हैं, अर्थात पारसंधि के ऊपरी भाग से ही दोनों जैसे आमने सामने दिखाई दे रही हो, अर्थात उसके जस्ट नीचे पारसंधि पर भी एक पर्णयुग्म पाया जाता है, वो होता है अध्यारोपित। ये किसमें होते हैं, अमरूद है, एक्जोरा है, ध्यान रहे अमरूद एक्जोरा के अंदर पर्णविन्यास का जो प्रकार होगा वो कैसा होता है, अध्यारोपित होता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं चक्रिक। नेक्स्ट चक्रिक की बात करेंगे, चक्रिक पर्णविन्यास क्या है। इस प्रकार के पर्णविन्यास में एक पर्वसंधि से दो से अधिक, यानी तीन या तीन से अधिक पत्तियां निकलती हैं, ये चक्रिक प्रकार का है। ये चक्रिक है, एक ही पर्वसंधि से दो से अधिक या तीन से अधिक पत्तियां निकलती हैं, उसे चक्रिक बोलते हैं। ये कनेर में होते हैं, निरियम बोलते हैं, एलामेंडा इसके अंदर जो पर्णविन्यास का प्रकार होगा वो कैसा होता है, चक्रिक होता है। तो पर्णविन्यास आप समझ चुके होंगे, किसी बगीचे में जाएं और बगीचे में जाकर आप पर्णविन्यास का अध्ययन कर सकते हैं कि पत्तियां किस प्रकार से जुड़ी हैं। जब आप शाम के समय बगीचे में घूमने जाते हैं तो अनेक प्रकार की टहनियां तोड़ें और तोड़कर उस पत्तियों के जुड़ने के क्रम को देखें कि पत्तियां किस प्रकार से जुड़ी हैं, कि एकांतर क्रम में है, सर्पिल है, या क्रोसित है, अध्यारोपित है, या चक्रिक है। फिर आप समझ पाएंगे कि पर्णविन्यास क्या है, यानी तने या शाखा के ऊपर पर्ण की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, पर्णविन्यास कहा जाता है। तो इससे आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।